न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। केंद्र व प्रदेश की सरकारें भले ही सफाई अभियान पर जोर देते नहीं थक रही हों, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार के इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। यह सब हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि गलियों से लेकर मुख्य चौराहों तक लगे ये गंदगी के ढेर इस बात को खुद बयां कर रहे हैं। यह तस्वीर अहिरवाल की लंदन नगरी रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक की है, जहां नगर परिषद का गोदाम भी मौजूद है। वहीं खाली पड़ी इस जमीन पर नगर परिषद ने बोर्ड लगाकर साफ तौर पर चेतावनी भी दी हुई है कि यहां कूड़ा डालना मना है और कूड़ा डालने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। लेकिन इसका ना तो स्थानीय लोगों पर और ना ही नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों पर कोई असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी ही आसपास का कूड़ा इकट्ठा करके यहां डाल रहे हैं। इस शहर की यह कोई अकेली तस्वीर नहीं है जहां कचरे के ढेर लगे हों। शहर के दूसरे स्थानों पर भी रिहायशी बस्तियों के बीच कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी बजाय इस पर कोई कार्रवाई करने के सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और उन पर सरकार के आदेशों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। इसे लेकर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहां कई कई महीनों में जाकर सफाई होती है, सफाई न होने के कारण मक्खी मच्छरों का प्रकोप भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं ये कचरे के ढेर आवारा पशुओं के लिए भी आरामगाह बन गए हैं। जब इसे लेकर नगर परिषद के प्रशासक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं। जहां तक कचरे के ढेरों और गंदगी का सवाल है तो उसके लिए नगर परिषद द्वारा अंडरग्राउंड डस्टबिन के अलावा 100 से अधिक डस्टबिन भी रखवाए गए हैं। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे भी अपने घरों और प्रतिष्ठानों के आगे कचरे का एक डिब्बा जरूर रखें, ताकि सरकार के इस अभियान को सफल बनाया जा सके। अब देखना होगा कि प्रशासक के इन आदेशों का नगर परिषद के अधिकारियों पर कितना असर होता है, या फिर लोगों को इसी तरह इस समस्या से दोचार होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। यहाँ स्टैंड है, गाड़ियों का ये पड़ा रहता है, बदबू मारते धोते, ये कूड़े खाते हैं, जानवर खाते हैं कूड़े। कब से पड़ा है ये कूड़ा? इसको होगा 3-4 महीने हो गए। मशीन आती है, ठाले जाते हैं, फिर पब्लिक आस पड़ोस के घेर देते हैं, खुले भी डाल जाते हैं, डाल देते हैं। जैसे ये ना जो ये खड़े ये पड़ोसी आस पड़ोसी खुले में डाल के आते हैं, यहाँ तो कोई बंदा छोड़ो जाकर कुछ इसकी कार्रवाई हो सके। ये भी 1 साल से पड़ा है, कोई उठाने नहीं आता। उठाने तो आते हैं पर फिर गिर देते हैं। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ कूड़ा डालना मना है, अभी फिर भी डालते हैं। उसके बावजूद डाल रहे हैं, बोर्ड को कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। कौन डाल के जाता है यहाँ कूड़ा? नगर परिषद की ट्रोलियां भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, खुले में ही डाल जाते हैं। आप लोगों को परेशानी होती है यहाँ खड़ा होने में? जगह कूड़े के ढेर देखे गए। सफाई के लिए जो हम सजग हैं, हम प्रयत्नशील भी हैं। अब पीछे हमने जो है 7-8 जगह पर अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर रखी है। साथ ही 200 डस्टबिन मंगवाए गए हैं शहर में, उनमें से कुछ पहली दूसरी खेतों खेप आ चुकी हैं, बाकी खेप अभी इन प्रोसेसिंग जो कि अगले हफ्ते में आ जाएगी तो उनको भी रखे हैं। परंतु मैं ये भी आपसे आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लोग भी स्वयं जागरूक हों, इस बारे में प्रशासन का सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, अपने घर में घर के बाहर एक कूड़ेदान के रूप में कुछ भी चीज़ रखें, चाहे वो खाली गत्ते का बॉक्स ही रख सकते हैं, तो अपने घर के कूड़े को निश्चित तौर पर उसमें डालें, एक निश्चित नियत स्थान पर डालें, ताकि जो कर्मचारी आता है कूड़ा उठाने वाला उसको उसमें दिक्कत ना हो। पॉलीथीन के प्रयोग पर भी पाबंदी? पॉलीथीन के प्रयोग पर बिल्कुल, हम इस बारे में भी हमने अभियान चलाया हुआ है, हम करते हैं, परंतु लोगों का जो सहयोग हमें कुछ मिल रहा है, परंतु जो सहयोग अपेक्षित है उतना नहीं मिल रहा है। फिर भी हम जागरूक अभियान को चला रहे हैं ताकि लोग जागृति आए, और जो भी दुकानदार हैं जो पॉलीथीन ऐसा सामग्री बेच रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो निरंतर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।